तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मिलिट्री फॉर्म बन भी जाता है तो मैं अपनी माताओं बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मिलिट्री फॉर्म बंद होने के बाद भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। मोदी सरकार कहती है कि गरीबी हम मिटा देंगे, लेकिन मोदी सरकार गरीबी नहीं मिटा रही, मोदी सरकार गरीबों को ही मिटा देगी, तो गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। सरकार चाहती है, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। भावना जी, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी, जितने हम लोग यहाँ पे इतने सालों से कच्चे लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब हमारे पास इतनी सैलरी नहीं थी कि हम अपने अपने घर बना सकें, अपने लिए कहीं एक प्लॉट ले सकें या किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। हमारी इतनी सैलरी है कि हम अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं और स्कूल पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमें तुरंत ये कह दिया गया कि अब जो है ये फार्म बंद हो जाएगा। अब आप लोग, हम लोग क्या करें बताइए, जो जिनके पास कोई सहारा नहीं है वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगा। सरकार हमारी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोगों की बेटियाँ हैं बिना छत के, हम लोग अपनी बेटियों को सड़कों पे लेके बताओ कहाँ रहेंगे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है कुछ नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे। इतने सालों से हमारे घर के लोग जो है नौकरी कर रहे हैं कई पीढ़ियों से, और आज ये लोग कर रहे हैं कच्चों में जो है, वो कहते हैं कि हाँ भाई पक्का कर दिया जाएगा पक्का कर दिया जाएगा। चलो उस बात को छोड़ो, कमा खा रहे थे हम लोग, इसके लिए भी हमें इस लायक भी छोड़ नहीं रहे। तो इस बात के मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारे साथ न्याय करे। पर सबसे पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों को नमस्ते करती हूँ। मैं मेरठ से लता हूँ। मुझे 30 साल हो गए यहाँ काम करते हुए मिलिट्री फार्म में, और 30 सालों में मैं छोटे छोटे बच्चों को पालती रही। अब मेरे पति भी नहीं है, मैं विधवा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इन लड़कियों को लेके कहाँ जाऊँ बताओ। मेरे तीन तीन चार चार लड़की हैं, कहाँ जाऊँ, मुझे सरकार से न्याय चाहिए। यही सरकार से मुझे उम्मीद है, मेरे बच्चियों के साथ न्याय करें। भारत सरकार बोलूंगा, बोलना सेम सेम, भारत सरकार सेम सेम, भारत सरकार सेम सेम, भारत सरकार सेम सेम, भारत सरकार सेम सेम।